अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू विल बी एंजॉयिंग सच काइंड ऑफ स्टडीज़. स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग चैप्टर 2 मीडिया. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 6. लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज़. पुट योर फिंगर ऑन द वर्ड्स एंड लिसन टू मी केयरफुली. टेलीविजन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट टू इट्स व्यूअर्स. हमने पिछले पेज में पढ़ा था मीडिया के बारे में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स शामिल थे. इसके अलावा रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हम टेलीविज़न पढ़ रहे हैं. और टेलीविज़न जो मीडिया है वो भी प्रोवाइड करता है क्या चीज़? इंफॉर्मेशन, मालूमात, एजुकेशन, तालीम एंड इंटरटेनमेंट, और उसके साथ साथ तफरी टू इट्स व्यूअर्स, अपने देखने वालों को, यानी जो लोग देखते हैं उनको इसके टेलीविज़न के ज़रिए मालूमात हासिल होती हैं, तालीम भी हासिल होती है, और उसके साथ साथ वो इंजॉय भी करते हैं, तफरी भी हासिल होती है. मोस्ट टेलीविज़न चैनल्स कम्बाइन अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स. बहुत से जो चैनल्स हैं वो इकट्ठे कई किस्म के प्रोग्राम अब नशर करते हैं, सच एज़ न्यूज़, जैसे कि उसमें खबरें शामिल हैं, ड्रामा चलाते हैं, स्टेज शोज़ होते हैं, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन. म्यूज़िक भी होता है, स्पोर्ट्स भी होते हैं, और उसके साथ साथ बच्चों के प्रोग्राम्स भी होते हैं. यानी बहुत सारे प्रोग्राम एक ही चैनल पे हर तरह की चीज़ें भी नशर की जाती हैं. हाउएवर देयर आर ऑल्सो स्पेशल चैनल्स दैट प्रेजेंट ओनली वन टाइप ऑफ प्रोग्राम. ताहम कुछ ऐसे चैनल भी होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के प्रोग्राम नशर होते हैं, सच एज़ म्यूज़िक, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन. जैसे कि म्यूज़िक होता है, एक चैनल इस तरह का भी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक आता है और कोई प्रोग्राम नशर नहीं होते. एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, तालीमी प्रोग्राम होते हैं, उसमें सिर्फ तालीमी प्रोग्राम्स होते हैं और कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं आता. और प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, और कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बच्चों के प्रोग्राम नशर करते हैं. और कुछ आपको मालूम होगा कार्टून्स चैनल्स, और मेरा ख्याल है कि मुझसे ज़्यादा आपको सारे कार्टून्स चैनल्स जितने होंगे वो सब मालूम होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ कार्टून्स चलाते हैं 24 आवर्स. सिनेमा इज़ नॉट मीडिया बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन. सिनेमा हॉल्स जो होते हैं जहाँ पर फिल्में वगैरह चलाई जाती हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर देखते हैं, बेसिकली वो कोई मीडिया नहीं है, लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है, समझा जाता है एक ऐसा ज़रिया जो कम्युनिकेशन का है. यानी कम्युनिकेशन बेसिकली जब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कोई एक बात शेयर करनी हो, कोई एक टॉपिक, तो उसके लिए मीडिया यूज़ होता है. बेसिकली मीडिया तो नहीं है लेकिन एक मीन है, ज़रूर है. वो इस तरह से है कि सिनेमा प्रोवाइड्स इंटरटेनमेंट. ये सिनेमाज़ जो होते हैं वो तफरी फ्राहम करते हैं. सिनेमा हॉल्स रन फिल्म्स, सिनेमा हॉल्स में फिल्में चलाई जाती हैं विच सीन बाय मैनी पीपल, जो बहुत सारे लोग देखते हैं. फिल्म्स नॉट ओनली प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, ना सिर्फ फिल्में तफरी फ्राहम करती हैं बट दे ऑल्सो मेक पीपल थिंक अबाउट देयर सोसाइटी, लेकिन साथ साथ वो लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करते हैं कि वो अपने माशरे के बारे में सोचें. वो कैसे? वो इस तरह की जो फिल्में बनाई जाती हैं वो बेसिकली माशरे में जो हालात और वाकयात होते हैं उन्हीं से कोई कहानियां ली जाती हैं और उनके ऊपर एक्टिंग करके वो एक आइडिया, एक चीज़ जो है वो पेश की जाती है फिल्म की सूरत में. तो लोग ना सिर्फ इंजॉय करते हैं बल्कि फिर उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो एंड होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती हैं. देर आर ऑल्सो स्पेशल टाइप्स ऑफ फिल्म दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स. इसके अलावा कुछ ख़ास किस्म की फिल्में भी होती हैं जो कि मुख्तलिफ उनवानात के मुताबिक आपको मालूमात फराहम करती हैं. दीज आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्रीज़. ऐसी फिल्मों को डॉक्यूमेंट्रीज़ कहते हैं, दस्तावेज़ी फिल्म होती हैं. वो बेसिकली क्या होती है? वो उस इलाके पर मबनी किसी भी ख़ास इलाके पे, माहौल पे, जैसे कई दफ़ा हमने देखा होगा कि सैर व सयाहत से रिलेटेड कोई इलाका बहुत ख़ास है, मशहूर है, तो फिर उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है और सारी डिटेल उस जगह की जो है वो बयान की जाती है. इसी तरह से मुख्तलिफ उनवानात पर मुख्तलिफ तरह की डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो बनाई जाती हैं. दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. मुझे उम्मीद है आपको मीडिया के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी. लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. ओपन पेज नंबर 7, एक्टिविटी 2, एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स. मीडिया इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद डैश. मीडिया इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद डैश. इसका आपको वर्ड पीछे मिल जाएगा, सोसाइटी, विद सोसाइटी.
न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड डैश एवरी डे, न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड एवरी डे. टेलीविजन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट. रेडियो स्टिल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू डैश विद द पीपल. रेडियो स्टिल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कम्युनिकेट. माशरे से बातचीत का एक अहम जरिया है. कम्युनिकेट विद द पीपल. सिनेमा हॉल्स रन फिल्म्स. क्लियर? ओके. एक्सरसाइज बी. यू नो दैट स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ. आप जानते हैं कि स्मोकिंग, सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है. राइट अ शॉर्ट नोट सेइंग व्हाई यू थिंक सिगरेट एडवर्टाइजिंग शुड बी बैंड फ्रॉम द मीडिया. शो इट इन द क्लास. आप क्यों समझते हैं कि सिगरेट का जो एडवर्टाइजमेंट है, एड जो चलता है, वो मीडिया पर बैन होना चाहिए? आप उसे क्लास में बताइए. ये एक प्रोजेक्ट वर्क है. एक छोटा सा नोट आपने लिखना है सिगरेट के हवाले से. आपको ये नोट मैं यहाँ पर एक छोटा सा लिख दूंगी और ये पिक्चर एक्सरसाइज की जिसमें ब्लैंक्स और ये नोट मौजूद होगा, ये आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगी. इसके साथ ही आपने अपनी बुक्स पे इसको सॉल्व करना है, नोटबुक्स पे नहीं करना है, ये दोनों काम. क्लियर? ओके. अल्लाह हाफिज़.